भाई टाइम देखो, 2:15 है, मेरे को नहीं आ रही है नींद, तो मैं जा रहा हूँ बाहर। आपको पता है दुबई तो कहीं सोता है नहीं, तो इसलिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत घूमूंगा फिरूंगा फिर वापस आ जाऊँगा, फिर आके सो जाऊँगा। मुझे मुझे बता रहे थे। हाँ क्या बता रहे थे? यही भाई, क्या देख रहे हो भाई, रातों में मीटिंगें चल रही हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, जिंदगी ऐसी कटे जा रही है। अभी दो अभी उठाऊं, आपको पता 11 बजे सोया हूँ मैं पूरी रात का, आज सुबह 11 बजे टाइम देखो 3:30 के आसपास हो रहे हैं, दो कॉल्स आ गई, ये अभी यहाँ जाना यहाँ जाना, मैं जा रहा हूँ तैयार होके, बाय बाय। भाई देख रहे हो, मैं तैयार हो चुका हूँ, ऑफिस वाला बंदा, मेरी आंखें देखो सेक्सी लग रही हैं बिल्कुल, मुझे खुद को लग रही हैं। पहले एक्सरसाइज करूँगा उसके बाद, हाँ उसके बाद ही खाना खाने जाऊँगा, पहले अभी यहाँ जाके एक्सरसाइज करूँगा। तुम ठीक हो ये बताओ? मैं तैयार हो गया, निकल गया। तो आज करना है फिर से पुश, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। तो वो सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर लेते हैं, कि जो ना डाइट प्रॉपर नहीं रह पाई, मुझे बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वज़न घटाने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है यार यहाँ पर रह के वज़न घटाना, क्योंकि घर पर रहता हूँ तो जैसा मैं खाना चाहूँ, जैसी डाइट चाहूँ वैसी डाइट हो सकती, यहाँ पे वैसी डाइट नहीं हो सकती। अरे चौबीस भाई, आपको पता है मुझे कितनी पसंद है इंक्लाइन डंबल प्रेस, नॉर्मल पहले हल्के वेट से वार्म अप रैप निकालेंगे। आज की मेरी एक्सरसाइज थोड़ी अलग रहेगी, यहाँ पे मैं हैवी नहीं मारूंगा, मैं लोड ज़्यादा दूंगा, एक तरह से कहूँ तो टेंशन ज़्यादा दूंगा, फटीक तो जाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम कुछ सुपर सेट वगैरह लेंगे, पहले मैं एक सिंगल वेट से मैं पहले तो मैक्सिमम रैप निकालूंगा, फिर सेम वेट से फिर से मैक्सिमम रैप निकालूंगा, उसके बाद तीसरा हमारा सुपर सेट होगा, 20 किलो है, 20 किलो से मैं ले रहा हूँ मैक्सिमम रैप। अट्ठारह रैप भाई, देखो दो सेट फेलियर मारने के बाद आप लगेगा सुपर सेट। सुपर सेट के लिए आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा भारी डंबल जैसे कि मैंने 10 किलो का लिया, और एक उसके आधा, वो दूसरा 6 किलो का है, इस तरह से लेना है। और सबसे पहले आपको इसके रैप निकालने 12, ठीक है? हल्के डम्बल लेने 6 किलो का, और हम आपको ये करना है, ये एक हो गया, ऐसे 12 करने हैं। ये एक सेट हुआ, इसके 2 सेट करने हैं। आपको पता है मेरी फेवरेट एक्सरसाइज में दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है, केबल फ्लाई, मुझे बहुत पसंद है भाई ये एक्सरसाइज।
मैं इसको जरूर मारता हूँ भाई। एक्सरसाइज मेरी चेस्ट की हो गई है, ये तीसरी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसके ज़्यादा नहीं लगेंगे, इसके सिर्फ दो ही सेट लगेंगे। मैं खाली चेस्ट और ट्राइसेप को ही ट्रेन करूँ, बाइसेप को रहने, वो शोल्डर को रहने देता हूँ, शोल्डर को अगले वाले उसमें करूँगा। तो अभी मैं एक हल्का सा डंबल ले लेता हूँ और ओवर हेड की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ सिंगल हैंड में। ये वाली एक्सरसाइज आपको हैवी वेट से मारने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये हल्के वेट से मारें, कॉन्सेंट्रेशन आराम आराम से मारें, ये उतना ही इफेक्ट करेगी जितना भारी वेट से करेगी, और इससे आपके जॉइंट्स भी सिक्योर रहेंगे। इसके तीन सेट लगेंगे। रोप पुश डाउन। अब ये रोप कहाँ है? रोप हो गई, वहाँ पड़ी, उठा के लानी होगी। ओह, रोप आ चुकी है। अब रोप पुश डाउन मारेंगे, इसके भी तीन सेट लगेंगे। इस तरह से मारेंगे। मारने के बाद सिंगल हैंडेडली ट्राइसेप को ट्रेन करना है, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा जो इफेक्टिव तरीका है वो ये नहीं है, वो है ये, इसको अपने शोल्डर लेवल से हल्का सा ऊपर लेके आओ, वेट को डिसेंट रखो, एक हाथ यहाँ से पकड़ो, इसको यहाँ से पकड़ो और सीधा हो जाओ, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके मारने हैं आपको दो सेट। मैं सोच रहा हूँ यार, अब मैंने इतना मार लिया तो फ्रंट हेड तो ट्रेन हो ही जाता है भाई, इसमें जो मैंने एक क्लाइन डबल प्रेस मारी थी, तो यार मार ही लेता हूँ यार, क्या करता हूँ, एक हल्के से डंबल ले लेता हूँ, मैंने डंबल ले लिया हल्के से और दो सेट मार ही लेता हूँ यार, ट्रेन कर ही लेते, इसको सीधा खड़ा करके हल्का सा झुक के मारेंगे।
हो भाइयों, आज भी मुझे ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और मेरा अभी वर्कआउट ख़त्म हुआ है। अब मैं जाऊंगा, थोड़ा सा कुछ खाऊंगा पीऊंगा।